The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So whenever you do this, a gastric bypass surgery, a sleeve gastrectomy, या ऐसे कोई भी स्टमक में ऑपरेशन बेरियाटिक सर्जरी सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपके स्टमक को छोटा किया गया है आपके पेट को एडजस्टेबली छोटा किया गया है सो सर्जरी के बाद आपको बेसिकली कम खाना खा पाओगे क्योंकि पेट ही छोटा है तो पेट जल्दी भर जाएगा आप ज़्यादा खाओगे तो आप और जल्दी जल्दी भूख लगेगी आपको और ज़्यादा खाओगे तो पेट भर जाएगा आफरा जाएगा सो ऑब्वियसली कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी जैसे मैंने बताया है पहले भी कि आपको पहले कुछ हफ्ते पतला फूड खाना है पतला यानी कि लिक्विडी प्यूरीड फूड खाना है पहले कुछ हफ्ते तक स्लोली फिर कुछ दो से तीन हफ्ते के बाद आपको सॉफ्ट फूड पे और रेगुलर फूड पे आप एक आध महीने के बाद शिफ्ट करेंगे उसके अलावा जो सॉलिड फूड है वो आपको जल्दी पेट भर देगा और सॉलिड फूड से धीरे धीरे फिर क्या होगा आप कम ही खा पाओगे आपकी एक बार में जो प्लेट में खाना होगा कम हो जाएगा तो आपको क्या करना है बहुत ज़्यादा नहीं खाना है वरना वो जो पाउच है जहाँ ऑपरेशन हुआ है वो और स्ट्रेच होगा टांके फट सकते हैं दिक्कतों से इसलिए पहले कुछ हफ्ते बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान देना एक बार में अगर आप मान लीजिए आपका पेट जब छोटा किया गया है तो वो 250 मिलीलीटर 250 ml या एक कप खाना ले पाएगा या चार कप ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले पाएगा राइट और च्यूड फूड तो धीरे 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 आपको खाना खाना है तो धीरे धीरे खाएंगे एडजस्ट करेंगे इसके अलावा आप बहुत जल्दी जल्दी वज़न लूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में कभी कभी दर्द भी हो सकता है कभी बॉडी टायर्ड फील कर सकती है आपको स्किन ड्राई हो सकती है हेयर लॉस हो सकता है मूड चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि आपके न्यूट्रिशन बेस कम होगा तो इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये धीरे धीरे ये सारे जो सिम्टम्स हैं अपने आप ठीक हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खाने में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको टाइम लेना है 20 मिनट से लेके 30 मिनट आधा घंटा टाइम लेना है छोटा छोटा खाना खाने के लिए और आपको अगर उल्टी आ रही है वॉमिटिंग आ रही है तो आपको अगर आपको अजीब सा फील हो रहा है तो आप जल्दी 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 खाना खा रहे हो आपको स्लो खाना खाना पड़ेगा कम से कम दिन में 6 बार खाना खाना पड़ेगा 3 बार की जगह 6 बार और खाने के बीच में उल्टा सीधा नहीं खाना पड़ेगा बाहर का पैक्ड फूड बंद करना पड़ेगा और अगर आपको भरा भरा लग रहा है पेट तो बस उतने से ज़्यादा नहीं खाना है चाहे आप 4 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर खा लो और अगर आपको भूख ना लगे तो आप खाना नहीं खाएंगे ये बेसिक चीज़ होगी ऑपरेशन के बाद छोटी छोटी प्लेटें यूज़ करिए ताकि आपका पोर्शन कंट्रोल होगा और कुछ तरीके का खाना जो भी आपको दिक्कत देगा वो नहीं खाना है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और आपको पूरे दिन में 2 लीटर के आसपास पानी पीना होगा लिक्विड पीना होगा 2 से 2.5 लीटर के आसपास और खाना खाने के आधे से एक घंटे के बाद तक आप पानी नहीं पियेंगे और खाना खाने के पहले भी आधा घंटा एक घंटे तक पानी नहीं खाने के पहले और बाद में क्योंकि खाना और पानी एक साथ जाएगा पेट में तो पेट ज़्यादा भर जाएगा तो इसलिए थोड़ा गैप रखेंगे साथ में खाने को अच्छे से चबा चबा के खाएंगे और एकदम गपक गपक गलपते नहीं जाएंगे छोटे छोटे सिप करके आपने पानी पीना चाहिए उसके बाद में डाइट में कई चीज़ें प्रोटीन बेस्ड चीज़ें आप ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे नॉनवेज खाते हैं तो चिकन ले सकते हो फिश ले सकते हो एग्स बीन्स डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं कोई नुकसान नहीं है और वेजिटेरियन है तो आपको बीन्स लेनी होगी पनीर लेना होगा सोया लेना होगा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं छोटे छोटे चबा चबा के प्रॉपरली विटामिन सप्लीमेंट्स कुछ आपको लेना पड़ेगा B12 के लिए कैल्शियम के लिए आयरन और मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा और उसके अलावा भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कैलरीज ना खाएं ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन हर घंटा खाते ही जा रहे हैं क्योंकि इसके बगैर प्रॉपर डाइट के बगैर इवन गैस्ट्रिक बाईपास भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे पाएगा तो गैस्ट्रिक बाईपास के अलावा भी आपको ध्यान देना है कि आपको सिंपल शुगर वाली चीज़ें सिंपल मीठी मिठाई वाली चीज़ें
जो जंक फूड है उनको कम करना ही पड़ेगा, अल्कोहल को, दारू को कम करना पड़ेगा, मीठी मीठी ड्रिंक्स जो होते हैं उनको, मीठे लिक्विड जो होते हैं, जूसेस होते हैं मीठे वाले, उनको बंद करना पड़ेगा। आप फ्रूट्स खा सकते हो, जूसेस नहीं पियो, जूसेस में एक्स्ट्रा शुगर होता है। कार्बोनेटेड जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो मत, सोडाज, उनको कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा इन सब चीज़ें से। सो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड खाओगे तो अगेन आपको प्रॉब्लम होगी, या आप अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार की तो आपको अपने डॉक्टर से उस चीज़ के बारे में बात करनी होगी। राइट, सो ये हुई बातचीत बेसिक अबाउट बाईपास, गैस्ट्रिक बाईपास या गैस्ट्रिक सर्जरी, स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी के बाद आपको किस तरह की डाइट लेनी है। राइट, ओके।